Hello everyone, how are you all? I hope you all are fine. So let's discuss the market. So आप देख सकते हो निफ्टी लास्ट मैनी डेज से इट इज़ गोइंग अप, राइट? हमने यहाँ पे बोला था कि उसका मेजर माइनर ट्रेंड चेंज हो चुका है एंड दैट इज़ अ वेरी ग्रेट मूव, राइट? मतलब एवरी डे यू हैव मेड द मनी इफ यू आर अ लॉन्ग, राइट? सो लेट्स सी व्हाट आर द सिनेरियोज वी आर. अगर आप ब्रॉड ट्रेंड, अगर वीकली ट्रेंड देखे अगर मान लो, तो देखेंगे कि काफ़ी टाइम हमने एक जोन में स्पेंड किया, राइट? एंड देन सडनली वी हैव ब्रेकआउट, राइट? सो 2 हफ्तों से मार्केट अप जा रहा है, तो काफ़ी लोगों को लग रहा है कि मार्केट नीचे आ जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा. बट पॉइंट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज़ दैट व्हाई यू आर प्रेडिक्टिंग, राइट? इफ मार्केट को नीचे आने होगा तो मार्केट विल टेक अ टाइम, राइट? सो मार्केट दिखाएगा. सो सबसे पहले चीज़ हमें ध्यान रखना चाहिए, 20,870 20,870 से 850 का एक जोन है. अगर मान लो कल या कभी भी यहाँ पे मान लो यहाँ पे बाजार आता है और यहाँ पे एक टाइम स्पेंड करता है और उसके बाद फिर ऊपर जाता है, तो वी कैन लुक फॉर लॉन्ग पोजीशन, राइट? सो मार्केट कहीं ना कहीं आई थिंक इतना ऊपर गया है, तो मार्केट शुड मे बी स्पेंड सम टाइम, मे बी एक टाइम करेक्शन आए या मार्केट ऊपर चलता जाए, राइट? बट इफ़ यू वॉन्ट टू फ्रेश पोजिशन, आपको अगर फ्रेश एंट्री लेना है तो आपको वेट करना चाहिए आइधर एक पुल बैक का और इधर एक टाइम करेक्शन का, राइट? और फिर वहाँ पे आपको एक अपॉर्चुनिटी मिल सकता है जहाँ से आप एक लो रिस्क अपॉर्चुनिटी देख सकते हो, राइट? सो आई होप यू आर क्लियर दैट हाउ टू अप्रोच द ट्रेड, राइट? सो लेट्स लुक एट द बैंक निफ्टी. सो बैंक निफ्टी को भी अगर आप ऑब्जर्व करेंगे, बैंक निफ्टी, तो बैंक निफ्टी भी काफ़ी दिन से इट इज़ अ वेरी गुड मूव. यहाँ पे एक माइनर और ब्रॉड ट्रेंड उसका चेंज हुआ था और उसके बाद वी हैव सीन अ वन गुड मूव, राइट? सो बैंक निफ्टी ने भी आज अगर देखेंगे तो काफ़ी कॉन्सोलेशन किया, एक अच्छा सा मूव, जैसे वो कैप अप हुआ उसके बाद बजान, तो उसके बाद एक कॉन्सोलेशन हुआ. तो मेरे अकॉर्डिंगली इट इज़ अ हेल्दी फॉर द बैंक निफ्टी. सो बेसिकली 46,750 टू 700 का एक जोन है, मान लो यहाँ पे आता है फिर यहाँ पे कहीं सस्टेन होता है फिर उसके बाद ऊपर जाता है, वी कैन लुक फॉर लॉन्ग पोजिशन, राइट? बट जब तक ये 700 का एक जो मोटा मोटी पॉइंट है, 700 से 650, उसके नीचे जब तक वॉल्यूम के साथ टिकता नहीं है बाजार, तब तक वी कैन नॉट थिंक अबाउट शॉर्टिंग, राइट? सो आई होप यू आर क्लियर दैट हाउ टू अप्रोच द मार्केट. सो आपको डेली में बड़ा, वीकली में देखेंगे तो आपको लगेगा कुछ भी नहीं बढ़ा है, राइट? वी आर इन टू द रेंज फ्रॉम लास्ट लॉन्ग टाइम. लेट्स लुक एट द फिन निफ्टी. फिन निफ्टी भी आप देखेंगे, हमने डिस्कस किया था निफ्टी के बाद दूसरा एक जो ट्रेंड चेंज हुआ था वो फिन निफ्टी का था, उसके बाद बैंक निफ्टी हुआ, राइट? सो वेरी गुड मूव, राइट, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम. सो फिन निफ्टी भी आप देखेंगे बैंक निफ्टी की तरह एक रेस्ट कर रहा है और आइडियली इट शुड, ये कॉन्सोलेशन सही है. सो बेसिकली ये जोन है 20,950 से आप 21,000 पकड़ लो, मान लो यहाँ पे कहीं भी नीचे आता है फिर एक सस्टेन रहता है फिर उसके बाद ऊपर जाता है, तो वी कैन लुक फॉर एग्रेसिव लॉन्ग, राइट? बट जब तक ये 20,900 पकड़ लो मोटा मोटी, उसके नीचे जब तक सस्टेन नहीं होता है फिर निफ्टी वॉल्यूम के साथ, तब तक वी कैन नॉट थिंक अबाउट गोइंग शॉर्ट और इंट्राडे शॉर्ट और समथिंग लाइक दैट, राइट? सो लेट्स लुक एट द स्मॉल कैप. स्मॉल कैप देखेंगे कि लास्ट 3 दिन में जहाँ निफ्टी है नया हाई बना रहा है, स्मॉल कैप इज़ अंडर परफॉर्मिंग, 3 दिन से वही रेंज में है. तो सुनर और लेटर मार्केट इधर नए हाई पे जाएगा या यहाँ से गैप डाउन कर देगा, बट कहाँ जाएगा वाई टू प्रेडिक्ट, राइट? सो इट्स अ गुड थिंग, राइट? मार्केट इज़ टेकिंग पॉज, मार्केट इज़ टेकिंग सम ब्रीदर एंड देन इफ इट इज़ गोइंग अप, तो वो एक अच्छा रहेगा मार्केट के रिस्क परस्पेक्टिव से, राइट? सो आई होप यू ऑल हैव अ क्लैरिटी दैट हाउ टू लुक एट द मार्केट, हाउ टू अप्रोच द मार्केट, राइट? सो आई होप यू ऑल आर एंजॉइंग द सीरीज एंड सी यू ऑल अगेन टुमारो.